नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको करवा रहा हूं आर्मी क्लर्क के और जो स्टोर कीपर है उसका, दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही है, तो उसके मैं करवा रहा हूं आपको 50 के 50 प्रैक्टिस सेट। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट मैं कराने जा रहा हूँ वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 4। निर्देश दिए हुए हैं आपको, क्या क्या रूल हैं, क्या क्या निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 50 मिनट का आपका पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स, जो अधिकतम मार्क्स उसके मिलेंगे वो होंगे 200 नंबर, यानी कि 50 मिनट का जो समय मिलेगा आपको और टोटल जो आपको नंबर, जितने नंबर का है आपका पेपर वो हैं 200 मार्क्स। ठीक है, इस अभ्यास प्रश्न में दो खंड हैं। कितने? दो खंड होंगे, एक खंड एक होगा, एक खंड दो होगा, और जिसमें प्रत्येक खंड में कितने 25 क्वेश्चन है। खंड एक में 25 क्वेश्चन होंगे और खंड दो में भी 25 क्वेश्चन होंगे। अब खंड एक में और खंड दो में क्या क्या दे रखा है वो भी दिया हुआ है। खंड एक में सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे एवं गणित के 10 प्रश्न होंगे। और जो हमारा खंड दो है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन किसके होंगे? सामान्य अंग्रेजी के होंगे। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। उत्तर ना लिखने यानी कि खाली छोड़ने पर 0 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 32 अंक और कुल 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि प्रत्येक खंड में हमारे कितने 32 नंबर आने ही चाहिए। एक खंड कितने नंबर का हो जाएगा हमारे? 25 × 4 कर देंगे तो 100 नंबर का एक खंड होगा, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है हमारे कितने हैं? 32 हैं। और कुल कितने अंक हैं? 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि 100 out of 80। ठीक है, सॉरी 80 out of 100। ठीक है, तो शुरू करते हैं। खंड एक आ गया हमारा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका कौन थी? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? ए ऑप्शन है हमारा चांद बीवी, बी ऑप्शन है जीजाबाई, सी है रजिया बेगम या फिर डी है बेगम हजरत महल। चलिए बताइए जरा। तो इसका हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया बेगम। कितने समय तक थी ये? 1236 एडी से लेकर 1240 एडी तक। ठीक है, एडी ईस्वी ही होता है। और ये कौन सा वंश था? ये था हमारा गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति
कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? यानी कि क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? ए ऑप्शन है हमारा 1 माह, बी है 3 माह, सी है 6 माह या फिर डी है 9 माह। बताइए जरा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। 6 माह तक कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों सदन है उनका बिना सदस्य रहे तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है, लेकिन 6 माह होने यानी कि 6 माह होते ही उसको या तो पद से इस्तीफा देना होगा या फिर क्या होना, उसको किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? यानी कि भारत इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उस पे जो रेखा बनी हुई है वो क्या कहलाती है? ए है हमारा डूरंड रेखा, बी है रेड क्लिफ रेखा, सी है माउंटबेटन रेखा या फिर डी है मैकमोहन रेखा। क्या है बताइए जरा। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकमोहन रेखा, जो किनके नाम पर पड़ी? हेनरी मैकमोहन। किसके नाम पर? हेनरी मैकमोहन। और कब? 1914 में। कब? 1914 में। और कितनी है? 890। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी कि माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? ए है हमारा ममता बनर्जी, बी है लाल कृष्ण आडवाणी, सी है एंडी मैरिनो या फिर डी है राघव बहल। चलिए बताइए जरा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लाल कृष्ण आडवाणी। क्या हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इनके बारे में जान लें तो ये उप मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री। किसके? उप प्रधानमंत्री। कब से कब तक? 2002 से 2004 तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए हमारा न्यूयॉर्क, सी है पेरिस, बी है हेग या डी है जेनेवा। बताइए जरा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस। इसके बारे में जाने तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? इसमें अभी कितने देश हैं सदस्य करंट में? 193 देश सदस्य हैं। और अभी जो लेटेस्ट सदस्य बना है देश, उस देश का नाम है, नया सदस्य जो इस समय है बना है वो है हमारा दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ओम, बी ओम मीटर, या सी है ओम मीटर क्यू, या है डी ओम मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बताइए जरा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए है हमारा लोहा, बी है प्लेटिनम, सी है पारा, या फिर डी है कैल्शियम। चलिए बताइए जरा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पारा HG। ये जो धातु है वो है तो धातु, धातु मुख्यतः कौन से रूप में पाई जाती है? ठोस अवस्था में, लेकिन ये एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, कौन सी? पारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्काइन का सामान्य सूत्र, यानी कि एल्काइन का क्या पूछ रहे हैं हमसे? फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए C3H4, C3H5, C2H6, या फिर C6H6। चलिए बताइए जरा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए C3H4। क्या है एल्काइन का फॉर्मूला? C3H4। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नियोन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बताइए जरा, तो ये है कौन सी गैस है आग बुझाने वाली गैस? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि जो पादप कोशिका है इसकी भित्ति किसकी बनी होती है? ए है हमारा प्रोटीन, बी है सेल्यूलोज, सी है मंड, या फिर डी है वसा। क्या है? वसा। चलिए बताइए जरा, तो ये हो जाएगी हमारे ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज की बनी होती है। एक टेरावाइट एक टीवी में कितने गीगावाइट होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 1000, बी 1024, सी 780, या फिर डी 10000। बताइए जरा, ये होते हैं हमारे 1024। कितने? थोड़ा सा और नॉलेज जानते हैं इसके बारे में। अगर मैं लिखूं 1 MB, तो 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB। कितने? 1024 KB। ठीक है, अगर मैं लिखूं 1 TB, तो कितने होते हैं इसमें? वन जीबी। अगर मैं लिखूं 1 GB गीगाबाइट, तो कितने होते हैं इसमें? 1024 MB।
1 GB में कितने होते हैं? 1024 MB। और अब मैं लिखूंगा 1 TB, तो इसमें कितने होते हैं? 1024 GB। ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स को की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, जोड़े रखता है। ए है हमारा मदरबोर्ड, बी है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट, या डी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बताइए जरा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक कंप्यूटर का ऐसा भाग होता है जो कंप्यूटर के अंदर हम जो गतिविधियां करते हैं उनको क्या करता है? एक दूसरे से जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यानी कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है उसका विकास किसने किया था? ए ऑप्शन है सीवी रमन, बी है रॉबर्ट नायक, डी है चार्ल्स बैबेज, सी है जेएस किल्वी। तो सीवी रमन ये मैथ से संबंधित है और ये चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक है। ठीक है, अब बी या सी में से एक है तो इसका ऑप्शन होने वाला है जेएस किल्वी। किसने किया था? जेएस किल्वी ने किया था। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वॉलेटाइल स्टोरेज, बी है हमारा सिक्वेंशियल स्टोरेज, सी है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, या डी है डायरेक्ट स्टोरेज। बताइए जरा। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? ऑप्शन ए है हमारा ट्रांसलेटर, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है यूटिलिटी प्रोग्राम, या डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बताइए जरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्गमूल का कितना मान होगा? ऑप्शन ए है बी सी डी। ठीक है, चलिए बताइए जरा। चलिए, हमें दे रखा है 0.0144। ठीक है, चलिए ये यहाँ से हटाया तो एक लिख लेंगे नीचे, और आगे कितनी संख्याएं हैं? 4, तो 4 जीरो लगा लिए। अब ये कितना आ गया हमारा? अंडरवुड में 144 अपॉन 144 किसका वर्गमूल होता है भैया? ये होता है हमारा 12 का, और इसको करेंगे
तो ये एक जीरो और ये एक जीरो, कितना हो गया 12/100, और दो जीरो हैं तो दो अंक पहले पीछे से क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 व 31 है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याएं लिख लेंगे। संख्याएं दे रखी हमें 24, 32 और 36। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि प्राप्त शेषफल क्रमशः कितना होगा, 24 में कितना बचेगा, 19 बचेगा, कितना बचेगा 19, और 24 से करेंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा, और 32 से करेंगे तो 27 बचेगा, और 36 से करेंगे तो कितना बचेगा 31 बचेगा। जब शेषफल की बात आती है तो हमें घटाना होता है, क्या होता है, घटाना होता है। ये यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर भी 5 बचेगा और यहाँ पर भी 5 बचेगा, यानी कि शेषफल हमारा कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे, लासा। चलिए संख्याएं दे रखी हैं 24, 32 और 36, यही दे रखी है ना। चलिए लासा निकालिए, 2 से काटा तो ये हो गया 12, ये हो गया 16 और ये हो गया 18। फिर से 2 से काटा तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। चलिए भाई फिर से, इससे 2 से काटा तो 2 3 6 और 2 4 8 और 9, ऐसा ही रहेगा। अब भी जाएगा ये 3 से, ये एक बार में गया, ये 4 और ये 9। चलिए लासा आ गया, गुणा कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 4, यहाँ पर 3 होगा और गुणा 3। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 288 आएगा, कितना आएगा 88 आएगा, गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा शेषफल था, क्या था शेषफल था, ये बचा हुआ है, अगर हम इसको घटा देंगे, यानी कितना निकल के आया हमारा 5 निकल के आया, जो शेषफल था उसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 283। यानी कि 283 ही वह संख्या है जिसको 24 से 32 से व 36 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 19 आएगा, 27 आएगा और 31 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि 180 व्यक्ति काम करेंगे तो वे उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो जो दिया हुआ है वो पहले हम वो नोट डाउन कर लेंगे। 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी कि M1 बराबर दे रखा है मैन 270 और D1 बराबर दे रखा है 10 दिन, कितने 10 दिन। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अगर 180 व्यक्ति काम करें, कितने 180 व्यक्ति काम करेंगे तो वे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा सूत्र M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2 से। चलिए हल करते हैं, ये आ गया हमारा 270 × 10 बराबर 180 × D2। D2 का मान निकल आएगा 270 × 10 बटे 180। ठीक है, ठीक कर रहा हूँ ना, जीक 0 से 1 0 कट गया, 9 3 9 2 18 हो गए और 9 3 27 हो गए और 2 5 10 हो गए, यानी कि D2 की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 3 5 15 दिन, कितनी आ गई 15 दिन। ठीक है,
तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 3 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी? तो पहले जो हमें दे रखा है वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब मीटर किसमें दे रखा है, हम जो दूरी पूछ रहे हैं वो कितने में पूछ रहे हैं, हमारी किसमें, मीटर में पूछ रहे हैं, और हमें चाल किसमें दे रखी है भैया, चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो क्या करेंगे, चाल बराबर दे रखा है हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणा 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में, और ये आ गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। समय दे रखा है हमें कितना, समय कितना दे रखा है भैया, 3 मिनट दे रखा है। कितना, 3 मिनट दे रखा है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 180 सेकंड। कितने, 180 सेकंड। फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल दे रखी है हमें 10 मीटर प्रति सेकंड से, और समय कितना है, 180 सेकंड, तो कितना हो गया हमारा, 1800 मीटर। कितना, 1800 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही होने वाला है 1800 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालने हैं हमें, जो हमें इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अचर संख्या क्या है। अचर संख्या भैया हमारी 20। क्या है, 20, यानी कि 20 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, उनका अंतर कितना आए, इतना आए, यानी कि 1। कितना आए, 1 आए। यहाँ पर x की इक्वेशन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 की इंटू x करेंगे तो x ही आएगा। तो 20 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो कितना, 5 चौका 20, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इसको हम एक्स को क्या ये लिख सकते हैं कि +5x -4x और माइनस का 20। भैया हम एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5x -4x, 5 में से 4x, 5x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा। अब आ जाते हैं फिर से सवाल पर, एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई ओरिजिनल वाली। अब इसमें से इन दोनों को अलग कर लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा एक्स प्लस 5। कितना बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन ले लिया तो 1x अंदर बच गया, यहाँ एक्स बाहर आ गया यहाँ पे, तो इसके साथ क्या बचा, 5 बचा। अब माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो ये तो भैया एक्स ऐसा ही रहा। अब ये माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का 5 हो गया। किसका हो गया, प्लस का 5। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स -4। ठीक है, आ गया। तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है। क्या होंगे इसके गुणनखंड, नेक्स्ट देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 22² = 72 है और एक्स वाई बराबर 8 है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू है, एक्स क्यू और वाई क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 72, और एक्स इंटू वाई दे रखा है हमें 8। अब एक्स बाई
यानी एक्स इंटू वाई, यानी कि आठ को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि हम अगर एक्स और वाई का मान इस इक्वेशन में रखें तो कितना आ जाए, 72 आ जाए। तो चार दूनी आठ, तो क्या हम इसको आठ को चार गुणा दो लिख सकते हैं? ठीक है, चार गुणा दो लिखा तो x की वैल्यू चार हो जाएगी और y की वैल्यू दो हो जाएगी। ठीक है, यहां पर रख दीजिए भैया, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर चार का क्यू प्लस दो का क्यू। चलिए बताइए जरा, चार का क्यूब कितना होता है, चार चौक सोलह, सोलह चौका चौसठ, प्लस दो का क्यूब कितना होता है, दो दूनी चार और चार दूनी आठ, इसको जोड़ा तो आया 72। कितना आया, 72। और एक्स इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू का मान भी कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो क्या ये हमारा सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है, जब हमारे मान बराबर आ रहे हैं तो हमसे जो मान पूछ रहे हैं वो निकाल देंगे। x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, x का मान चार है और y का मान दो है, तो आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू टू। क्या आ जाएगा, टू। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सात पांच दो छ का समांतर माध्य क्या होगा? चलिए, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कर लो भैया पदों का योग, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं n। ठीक है, पदों का योग कितना है, पद कितने हैं, पदों का योग पद लिख लेंगे 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 कितने हैं, 4 हैं। ऐड कर लेंगे 7 5 12 और तो 14 और 6 20 बटा 4 4 पंजा 20 कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यदि 140 का 30 प्रतिशत 840 का x प्रतिशत है तो x का मान लिख लेंगे, 140 का की जगह इंटू 30 प्रतिशत है, ठीक है सही लिख रहा हूं ना, बराबर 840 का कितना x प्रतिशत है, कितना x प्रतिशत है, तो x का मान बताना है हमें। 100 से 100 चला जाएगा, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 छंगा 84 होते हैं और 6 पंजा 30 होते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी निकल कर 5। कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। ठीक है चलिए, कंप्यूटर का मूल्य 25,000 से घटकर 24,875 रुपए रह जाता है और मूल्य में प्रतिशत कमी, तो जो दे रखा है पहले हमें उसी को नोट डाउन करता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब क्वेश्चन होगा। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य हमें दे रखा है कितना, 25,000। कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है, और जो नया मूल्य है वो कितना हो गया, नया मूल्य हो गया हमारा 24,875। तो कमी कितने की हुई, कमी हुई या लाभ हुआ, कमी हुआ या बढ़ोतरी हुआ भैया बताइए, कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, तो कमी कितने की हुई, 25,000 में से 875 जाएंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, अब जिस प्रकार से प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालेंगे उसी प्रकार से प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा कमी बटा
प्रारंभिक मूल्य, उस पर क्रय मूल्य पर निकालते थे, इस पर प्रारंभिक मूल्य पर निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 125 की कमी हुई, प्रारंभिक मूल्य हमारा 25,000 था और इंटू में 100 है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 125 दूनी 250 हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1/2 और इसको लिख सकते हैं हम 0.5। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.5% की क्या हुई? कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4,000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन अगर इतना दिया हो तो समय क्या होगा, बताइए जरा। तो जो दे रखा है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। दे रखा है हमें मूलधन, क्या दे रखा है, कितना, 4,000, इतना ही दे रखा है। मिश्र धन भी दे रखा है क्या? मिश्र धन दे रखा है हमें कितना, 4410। कितना दे रखा है भैया, 4410। दर कितनी दे रखी है, 5%। क्या पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं। चलिए टी बराबर निकाल। तो एक सूत्र होता है, क्या होता है ये होता है हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1+R/100 की पावर टी, यानी के समय। तो इसमें हम अपना मान रख देंगे भाई, ठीक है। मूलधन दे रखा है हमें 4410, ये दे रखा है हमें 4,000, कितना, 4,000, और ये दे रखा है 1+ दर है 5, ये है 100 की पावर टी, जो हमें ज्ञात करनी है। एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ पर काटा तो ये आ गया 20, तो यहाँ पर 441, ये 400 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बचेगा आपका 20, एकम 20 और एक यहाँ पर बचा कितना, एक, यानी कि 21/20 की पावर टी। तो क्या 441 और 400 किसी का वर्ग नहीं होता, क्या होता है, क्यों नहीं होता? 21 का वर्ग होता है 441, 20 का होता है 400, तो इसको इसकी पावर 2 लिख सकते हैं क्या, और इसको 21/20 तो है ही है की पावर टी। जब बेस वैल्यू बराबर हो जाएगी तो घातों का मान भी बराबर हो जाएगा, तो टी बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2 वर्ष, कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष। तो आंसर कौन सा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो किसका है, इंग्लिश का शुरू होने वाला है, हो रहा है, यानी कि होने वाला नहीं है, हो रहा है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इंग्लिश का शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इसके ये जो पैसेज है इसके लिए सुइटेबल टाइटल क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या होगा, पैसेज पढ़ना होगा भाई। तो चलिए जरा पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज है, इट इज स्ट्रेंज दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन इन लाइफ एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज एडमायर्ड और डिस्पाइज्ड, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलरिटी बाई बींग केयरफुल विद हिज मनी, ही इज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले हिज सक्सेस टू हैव अ स्मार्ट कार एन एक्सपेंसिव लाइफ एंड टू बी लेविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी, इफ ही इज नॉट सो ही इज कंसिडर्ड मीन एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस मे इवन सफर इन कंसिक्वेंस। यानी कि क्या बता रहे हैं इसमें
कि अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन इन लाइफ, जिस प्रकार की उसकी पोजिशन है उसकी जिंदगी में, उसका जो पद है, एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज एडमायर्ड और डिस्पाइज्ड इज, जो साधारण मनुष्य होगा वो उससे क्या होगा, एडमायर होगा, प्रेरित होगा। अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलरिटी बाई बींग केयरफुल विद हिज मनी। जो सक्सेसफुल एक सफल बिजनेसमैन होता है, व्यवसायी होता है, वो कुछ नहीं करता है टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए अपनी पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि को, बाई बींग केयरफुल विद हिज मनी, अपनी केयर करता है किसकी, किससे, पैसे से। ही इज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले हिज सक्सेस, उसको ये जताना जरूरी होता है अपनी सफलता के बारे में, टू हैव अ स्मार्ट कार, एक स्मार्ट कार लेने के लिए, एक महंगी जिंदगी जीने के लिए, और एक बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए। इफ ही इज नॉट सो ही इज कंसीडर्ड मीन, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसको कंजूस कहा जाता है, और उसकी जो रेपुटेशन होती है वो कैसी सफर करने लगती है, कम होने लगती है। द पैराडॉक्स रिमेन्स दैट इफ ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी इन द फर्स्ट प्लेस, ही वुड नेवर हैव अचीव्ड हिज प्रेजेंट वेल्थ, कि अगर उसने अपने पैसे के साथ सही स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है तो वह कभी भी प्रेजेंट वेल्थ को अचीव्ड नहीं कर सकता। अमोंग द लो इनकम ग्रुप, और अब इसी के साथ जो लो इनकम ग्रुप है, अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिट्स, उनके साथ एक अलग तरीका होता है, व्यवहार होता है। द यंग क्लर्क हु मेक्स हिज वाइफ अ, जो यंग क्लर्क है जो बना अपनी वाइफ को करता है क्या करता है, अ प्रेजेंट ऑफ अ न्यू ड्रेस, नई ड्रेस लाकर देता है। When he has not paid his house rent, जबकि उसने क्या नहीं, एक उसका अपना राउंड जो है रेंट भी नहीं भरा होता है, is condemned as extravagant, और उसको कैसा माना जाता है, उसको भैया कंजूस माना जाता है, उसको कैसा माना जाता है। Carefulness with money to point of meanness applauded as a virtue, और अगर वो अपने पैसे को संभाल के रखता है तो उसको कंजूस माना जाता है, ठीक है। नथिंग इन हिज लाइफ इज कंसिडर्ड मोर वर्थी देन पेइंग हिज बिल्स, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, वह जीवन भर क्या करता रहता है, बिल्स ईएमआई ही चुकाता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सूटेबल क्या होगा, ऑप्शन है एक्स्ट्रावेगेंट वेगेंस इज ऑलवेज कंडेमनेबल, एक्स्ट्रा वेगेंस लीड्स टू प्रॉपर्टी, या एक्स्ट्रा वेगेंस इन द लाइफ ऑफ रिच एंड पुअर, यानी कि जो समस्याएं हैं किसकी जिंदगी में, द रिच एंड द पुअर, वही तो बता रहा है ये पैसेज कि रिच मैन जो है वो कैसे सफर करता है अपनी लाइफ में पैसे के साथ, और जो मीडियम होता है, मिडिल मैन होता है, पुअर होता है, वो किस तरह से सफर करता है अपनी लाइफ में। तो कौन सा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसा होता है, शुड नॉट बोदर अबाउट पॉपुलरिटी, चिंता नहीं करता पॉपुलरिटी के बारे में, इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेस्टिस, या इज मोर पॉपुलर इफ ही अपीयर्स टू बी डूइंग नथिंग, मस्ट बी एक्स्ट्रावेगेंट बिफोर अचीविंग सक्सेस, क्या हो जाएगा इसका, अभी बताया है क्या पढ़ाता, इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेस्टिस, भैया अगर वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो उसको इस समाज को ये जताना पड़ेगा महंगे महंगे तौर तरीकों से कि मैं कितना सक्सेसफुल हूं, वरना लोग क्या कहेंगे, उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी कहेंगे भैया ये तो बड़ा कंजूस है, बड़े पैसे मचाता है, और यही गरीब के साथ भी होगा, वो बचाएगा तो कहेंगे अरे बताओ बड़ा गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट सीम्स दैट लो पेड पीपल शुड, ऐसा देखा जाता है कि जो लो पेड जिनकी इनकम कम होती है, पीपल शुड फील गिल्टी इफ दे ओवर स्पेंड, गिल्टी फील करते हैं अगर वो ज्यादा खर्च कर देते हैं, बोरो मनी टू मीट देयर एसेंशियल नीड्स, नॉट कीप देयर क्रेडिटर्स वेटिंग, या नॉट पे देयर बिल्स प्रॉम्प्टली। तो भैया पैसेज पढ़ के देखते हैं क्या दिक्कत है,
ठीक है। यहाँ तक हो गया। द आइडल वाइफ फॉर अ सच मैन सेपरेट्स हर हाउस कीपिंग मनी इन टू ज्वाइलेस टाइटल लिटिल पिल्स सो मच फॉर रेंट फॉर फूड फॉर द चिल्ड्रन शूज सी इज एबल टू फेस द मिल्क मैन विद द इक्वानिमिटी एवरी मंथ सेटिस्फाइड विद हर इकोनमिजिंग वेज एंड नेवर नोज द गिल्ट ऑफ वाइंग समथिंग सी कैंट रियली अफोर्ड एज फॉर माई सेल्फ आई फॉल इन टू नैदर ऑफ दीज कैटेगरीज इफ आई हैव मनी टू स्पेयर आई कैन बी एक्स्ट्रा वेगेंट बट वेन एज इज यूजली द केस आई एम हार्ड अप देन आई एम द मीनेस्ट मैन इमेजिबल। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा फील गिल्टी इफ दे ओवर स्पेंड। जो लो बजट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गिल्ट फील करते हैं अपने आप में कि अगर वो ज्यादा अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो उनको थोड़ा सा दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द हाउस वाइफ डिस्क्राइब बाई द राइटर फील वैन सी सेव्स मनी शी विशेस सी कुड समटाइम्स बी एक्स्ट्रावेगेंट या फिर सी स्टिल ट्रबल्ड बाई अ सेंस ऑफ गिल्ट विशेस लाइफ वर लेस बर्डनसम या फिर इज कंटेंट टू बी थ्रिफ्टी। यानी कि जो हाउस वाइफ है उसको राइटर के द्वारा कैसा बताया गया है कि वो किस तरह से पैसे बचाती है, तो कैसे बचाती है, इज कंस्टेंट टू वी सो थ्रिफ्टी। वह तरह तरीके की चीजों में क्या है, अपने पैसे खर्च करती है, बच्चों के शूज लेने में, घर का सामान खरीदने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस जो ये स्टेटमेंट है क्या है, ये स्टेटमेंट कि सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वानिमिटी इम्प्लाइज दैट, ये क्या बताता है, सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वानिमिटी, यह क्या बताता है कि सी इज नॉट अपसेट एज सी हैज बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यू रेगुलरली या फिर सी लूजेज हर नर्व एट द साइट ऑफ द मिल्कमैन हु ऑलवेज डिमांड्स हिज ड्यूज या फिर सी मैनेजेस टू कीप कूल एज सी हैज टू पे द मिल्कमैन ओनली आ मंथ्स ड्यूज या फिर सी रिमेन्स कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट एज सी नोज दैट सी कैन हैंडल द मिल्कमैन टैक्टफुली। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी इज नॉट अपसेट एज सी हैज बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यूज रेगुलरली, कि वह इस चीज को लेकर अपसेट ही नहीं है कि वो क्या करती है, पेमेंट करती है किसका, मिल्कमैन का हिज ड्यूज रेगुलरली डेली के डेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से 35 फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुइटेबल वर्ड। चलिए, कुमार रियली लाइक्स किमी, कुमार जो है किमी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, बट ही इज नॉट टू नर्वस टू, ही इज टू नर्वस यानी कि वह बहुत ही नर्वस रहता है टू आस्क हर आउट, उसको बोलने के लिए, वह उसको बोल ही नहीं पाता, नर्वस रह रहा है बेचारा, है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इट डैश हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग, यानी कि एक उनको बहुत ही बड़ा आनंद मिला, बहुत ही अच्छा आनंद महसूस हुआ कि वो किससे मिले, सोल्जर से मिले उस शाम को। तो गिव्स होगा, गेव होगा, वॉज गिविंग होगा या इज गिविंग होगा, क्या होगा भैया, पास्ट का है, क्या है, पास्ट का है, तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। अब क्या है कि वो मिले थे, क्या वो मिल रहे थे, वो तो मिल चुके थे, क्या थे, मिल चुके थे, तो भैया गेव आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन आई पे हिम टुमारो, जब मैं उसका पेमेंट करूंगा कल, ही हैज रिसीव्ड सो एवरीथिंग, ही हैज बीन रिसीविंग, विल हैव रिसीव्ड, या फिर विल हैव बीन रिसीव्ड, तो क्या हो जाएगा, विल हैव रिसीव्ड एवरीथिंग, उसको वो मुझसे हर चीज पा लेगा, यानी कि जितना भी पेमेंट होगा उसका मैं सारा का सारा पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश गर्ल्स वर अबसेंट यस्टरडे, यानी कि गर्ल्स वर अबसेंट यस्टरडे, कल उपस्थित थी, अनुपस्थित थी, ए मच, बी एनी, या सी लिटिल, या फिर ए फ्यू। लिटिल, लिटिल भैया होता है अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, किसके लिए, काउंटेबल के लिए। एनी नेगेटिव सेंस में करते हैं तो नेगेटिव तो है नहीं, और मच क्वांटिटी के लिए करते हैं, किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, तो ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, और ना ही ये होगा, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, आ फ्यू, क्या आ जाएगा, आ फ्यू गर्ल्स, यानी कि बहुत ही कम छात्राएं कल अब्सेंट थी। ऑलमोस्ट नो फ्रेंड ऑफ केम टू द फ्यूनरल, फ्यूनरल क्या होता है, मृत्यु शोक जो होता है उसको हम फ्यूनरल बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट नो फ्रेंड ऑफ देयर्स, यानी कि उनके कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जो फ्यूनरल पर आया हो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट आ गया भैया, 36 से 39, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इस पार्ट में एरर है। चलिए, सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू ऑक्शन, यानी कि सेकेंड हैंड जो फर्नीचर है वो नीलामी के लिए डाल दिया गया, बताइए कौन से वाले पार्ट में इसमें एरर है। तो हमारा जो बी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें एरर है, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा, क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, सिंगुलर और प्लूरल में कैसा रहता है, ये एक जैसा रहता है, ठीक है। ऑल्दो निर्भय इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर, टू हिज डीलिंग ही इज ऑफन टेल्स लाइज, ऑल्दो जबकि जो निर्भय है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और सिंसियर है अपने काम को लेकर, टू हिज डीलिंग ही ऑफन टेल्स, भाई अक्सर झूठ बोलता है, तो क्या होगा इसमें, हमारे बी वाला जो सेक्शन है इसमें होगा एरर, टू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इनसे, ठीक है, किससे, इनसे, क्योंकि सिंसियर इन हिज डीलिंग, यानी कि वो अपनी डीलिंग जो भी वो डील करता है उसमें अक्सर भाई झूठ बोलता है, तो टू हिज डीलिंग नहीं होगा, क्या होगा, इन हिज डीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाई आसा आईसा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स, ठीक है, कौन से वाले भैया पोर्शन, मतलब पार्ट में होगा एरर, बताइए जरा, तो ये होगा हमारा आईसा आ पोर्शन, मैंने एक पोर्शन देखा, पोर्शन से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही कठिन परिश्रम किया, एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड,
तो बताइए जरा कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो ये हो जाएगा हमारा सी वाले पार्ट में एरर। किसमें? सी वाले पार्ट में एरर। मैंने इस पर बहुत ही कठिन परिश्रम किया। एंड नहीं जुड़ेगा कंजंक्शन, बट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? बट। मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही कठिन परिश्रम किया, लेकिन मेरा बॉस फिर भी क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, पैसिव आ गया। सिलेक्ट द वन विच इज एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है आपका, हैज शी वर्कड आउट ऑल द सम्स। ऑप्शंस हैं, हैव ऑल द सम्स वर्कड आउट बाई हर, हैज ऑल द सम्स बीन वर्कड बाई हर, या फिर हैव ऑल द सम्स हैव बीन सम्स बीन वर्कड बाई हर, या फिर होगा हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड आउट बाई हर। बताइए जरा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड आउट बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट है सेंड फॉर द डॉक्टर। इसका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। बनाइए जरा। ये है हमारा लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर, लेट द डॉक्टर सेंड, लेट द डॉक्टर बी सेंट, या फिर लेट द डॉक्टर सेंड फॉर। तो भैया इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। एक बचा ये हमारा और एक बचा ये। अब ए या सी में से एक ही होने वाला है। लेट फॉर, फॉर किस में आ रहा है भैया? सेंड फॉर द डॉक्टर, यानी कि लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर। ठीक है, फोर्टी टू फोर्टी थ्री बोल रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। किसमें? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। चलिए बदलते हैं। जॉन सेड टू मी, वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तुम पिछली रात को कहाँ थे? बताइए जरा। ऑप्शन, चलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा ना, अब ठीक है ना? ऑप्शंस हैं हमारे, जॉन आस्क्ड मी वेयर हैड आई बीन द प्रीवियस नाइट, या फिर जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैव बीन द प्रीवियस नाइट, जॉन आस्क्ड मी वेयर आई एम द प्रीवियस नाइट, या जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। बताइए जरा। चलिए ये तो देखिए होगा नहीं, क्योंकि वेयर के बाद आई आना था, हैड आ गया। हैव बीन तो होगा नहीं, क्योंकि किसमें बना रहा भैया? पास्ट में। ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा? डी वाला बच गया। जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। शी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टूडे। इसका क्या बनाना हमें? इनडायरेक्ट बनाना है। बताइए जरा। ऑप्शन नंबर ए है, सी टोल्ड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस टूडे, सी ऑर्डर्ड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, सी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस डे, या सी आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। बनाइए जरा। तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड हर मदर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, सी आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड कुक हर समथिंग नाइस दैट डे,
क्या वो उसके लिए कुछ अच्छा सा आज बना सकती हैं? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी दे रखा है, इसको किसमें बनाना है? असर्टिव में बनाना है। हाउ क्यूट सी इज, तो क्या होगा इसका? उसका क्या होगा? सी इज क्यूट, नहीं, सी इज वेरी क्यूट ये हो सकता है, और सी इज सो क्यूट ये होगा क्या? नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी इज वेरी क्यूट। नेक्स्ट है, चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग। यानी कि जो परीक्षा लेता हो या उसको क्या करता हो, मापता हो अपने ही फीलिंग्स, अपने ही विचारों को, उसको क्या बोलेंगे? मेडिटेशन, रेस्ट्रोपेक्शन, या इंट्रोस्पेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन, बताइए जरा। तो ये लोग होते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इन लोगों को क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन, जो अपने ही विचारों और फीलिंग्स का, भावनाओं का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। क्या करते हैं? आकलन करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पैसेज। चलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज इज, चलिए पैसेज पढ़ेंगे पहले। तो आर द 1980s एंड 1990s द एरा ऑफ कलर? अकॉर्डिंग टू सम पीपल दे आर, नाउ यू कैन बॉय रेडियोज एंड इलेक्ट्रिक फैंस इन लेवेंडर एंड पिंक। रेस्टोरेंट्स हैव एन एम्फेसिस ऑन फ्लावर्स एंड कलरफुल प्लेट्स। कार्स आर कमिंग आउट इन पिंक एंड एक्वा। यानी कि इस समय जो चल रहा है, उस समय हम रेडियो हैं या इलेक्ट्रॉनिक फैंस हैं, इनको लेवेंडर पिंक में ले सकते हैं। रेस्टोरेंट्स पे फ्लावर्स की खुशबुआ मिल जाती हैं, कलरफुल फ्लेट्स मिल जाते हैं, प्लेट्स मिलते हैं। कार्स कमिंग आ रही पिंक कलर में, एक्वा कलर में, ठीक है। इवन बाथरूम फिक्चर्स एंड बीइंग मेड इन हनी ड्यू एंड ब्लॉन्ड। पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट द कलर इफेक्ट्स आर वे वन फील्स अबाउट इट, जो उसके बारे में महसूस करता है वहां पर जाकर। इफ यू वांट अ वैक्यूम क्लीनर टू लुक लाइट एंड ईजी, विच इज वाई इट मे बी कलर्ड इन पेस्टल्स एंड लाइट कलर्स, बट गार्डनिंग इक्विपमेंट्स एंड एथेटिक इक्विपमेंट यू वांट टू लुक पावरफुल। यू वुड नेवर फाइंड अ लॉन मोवर इन पिंक, बट रेड वुड बी फाइन। तो क्या हो जाएगा इसका? द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज इज पॉपुलर कलर, पॉपुलर कलर्स टूडे, या फिर कलर कंसल्टेंट्स, या द इन्फ्लुएंस ऑफ कलर, या कलर्स दैट फ्लैटर पीपल। तो क्या हो जाएगा? द इन्फ्लुएंस ऑफ कलर, यानी कि कलरों का जो प्रभाव पड़ रहा है, जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉपुलर नाउ? चलिए भैया, अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार इनमें से कौन सी चीज जो है वो पॉपुलर नहीं है अब? ऑप्शन ए है हमारा कॉपर टोन, बी है कलरफुल कार्स, या सी है पेस्टल्स, या फिर कलरफुल बाथरूम फिक्सचर्स। चलिए यू वुड नेवर फाइंड अ लॉन मोवर इन पिंक बट रेड वुड बी फाइन, नॉट वेरी लॉन्ग एगो शीट्स वर ऑलवेज व्हाइट एंड रेफ्रिजरेटर्स कॉमनली केम इन कलर्स लाइक ओल्ड गोल्ड, एवोकाडो ग्रीन एंड कॉपर टोन। नाउ दीज आर थॉट्स ऑफ ओल्ड फैशन, पॉपुलर कलर्स चेंज बिकॉज फैशन इन्फ्लुएंसेज एवरी थिंग। इनफैक्ट न्यू कलर्स ऑफन स्प्रिंग फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री। इट्स अ लॉट चीपर टू मेक अ ब्लाउज
और स्कर्ट देन आ सोफा आफ्टर पीपल गेट यूज ऑफ सीइंग न्यू कलर्स ऑन क्लोथिंग ऑन और टॉवल्स दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दोज कलर्स इन कारपेटिंग रेफ्रिजरेटर्स ऑन कार्स कलर एनालिसिस कंसल्टेंट्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन रिसेंट ईयर्स पीपल वॉन्ट टू चूज मोस्ट फ्लैटरिंग कलर्स और मेकअप क्लोथिंग सम कार डिजाइनर्स आर इवन सेइंग दैट द पीपल विल बी बाइंग कलर्स ऑफ दैट गिव्स गोज विद देयर स्किन कलर This sounds too extreme. It's hard to believe that people are that impressionable. तो क्या हो जाएगा? किसमें नहीं देखना चाहते? कौन सा कर? Which of the following is not popular? इनमें से क्या चीज है जो popular नहीं है? तो क्या चीज popular नहीं है अब? Copper tone. Copper tone. क्या है copper tone? Colorful cars भैया लोग ले रहे हैं, pastels ले रहे हैं और colorful bathroom fixtures तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई वुड रेड बी अ गुड कलर फॉर अ लॉन मूवर बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज चीप बिकॉज इट इज लाइट एंड बिकॉज इट इज पेस्टल तो क्या पढ़ा था अभी बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग क्या है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ अ वैक्यूम क्लीनर कैन लुक लाइट एंड ईजी किस तरह से वो वैक्यूम क्लीनर है वो लाइट और इजी दिख सकता है यूज ऑफ लाइट प्लास्टिक स्मॉल इन साइज यूज ऑफ पेस्टल एंड लाइट कलर्स नन ऑफ द अबव क्या होगा अरे अभी पढ़ा भैया यूज ऑफ पेस्टल एंड लाइट कलर्स क्या पढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा जो है एक स्टेटमेंट गलत है चलिए बताइए जरा कलर अफेक्ट्स द वे वन फील्स अबाउट इट वन कैन बॉय रेडियो एंड इलेक्ट्रिक फैंस इन लेवेंडर एंड पिंक कलर ओल्ड फैशन पॉपुलर कलर्स डू नॉट चेंज आफ्टर बींग इन्फ्लुएंस्ड बाई फैशन या फिर न्यू कलर्स ऑफन स्प्रिंग फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री बताइए जरा कौन सा सही है कलर अफेक्ट्स कलर तो भैया बहुत सारे हो सकते हैं तो अफेक्ट्स कैसे हो जाएगा यहाँ पे अफेक्ट होगा या फिर तो ये तो नहीं होगा वन कैन वॉय रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक फैंस इन लेवेंडर एंड पिंक कलर रेडियोज एंड इलेक्ट्रिक फैंस यहां पर भी तो रेडियोज होना चाहिए तो ये क्या हो गया ये भी गलत है ओल्ड फैशन पॉपुलर कलर्स डू नॉट कलर्स भी दे रखा है भैया डू नॉट भी दे रखा है चेंज आफ्टर बींग इन्फ्लुएंस्ड बाई फैशन तो कौन सा वाला सही हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा तो 50 के 50 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के मैं आपको लगवा चुका हूँ ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ ठीक है आप बस मेरे साथ तैयारी करते चले जाइए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे सिलेक्शन वाला स्कोर करके आएंगे आप बस मेरे साथ 50 के 50 पूरे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए एक बार पूरे मन से ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ ठीक है और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करके ज़रूर फैलाएं ठीक है वीडियो को अच्छा लगा अगर आपको वीडियो ये हमारा तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में ठीक है